स्वागत है आप सभी साथियों का आरएस क्लास में। मैं कौशल सिंह। आज है 16 अगस्त 2020 और 16 अगस्त 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो आज इस वीडियो में हम देखेंगे और लास्ट में मैं आपको एक फैक्ट बताऊंगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं आज कौन से फैक्ट आए हैं। चलिए, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आज का, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है महेंद्र सिंह धोनी ने। ऑप्शन ए, महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। भारत के महान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। धोनी पिछले कुछ समय से क्रिकेट से दूर रहे हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम के माध्यम से अपने संन्यास की घोषणा की है। ये आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्टिक फाइबर लिंक को लॉन्च किया। तो आस्टिक फाइबर लिंक को लॉन्च किया है आपका नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन ए, श्री नरेंद्र मोदी ने आस्टिक फाइबर लिंक को लॉन्च किया है। 15 अगस्त 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के 74वें समारोह में अपने संशोधन के दौरान लक्षद्वीप समूह के आस्टिक फाइबर लिंक को घोषणा की। नेक्स्ट आ जाता है आपका ये सौरेस क्या है, नासा द्वारा संदर्भित किया गया है। सौरेस क्या है, तो सौरेस है आपका एक बौना ग्रह। ऑप्शन ए, बौना ग्रह है आपका सौरेस। नासा के डॉन स्पेसक्राफ्ट के हालिया आंकड़ों के अनुसार बौना ग्रह सौरेस, जो मंगल और बृहस्पति के बीच मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है, एक बंजर अंतरिक्ष चट्टान नहीं है। पहले यह माना जाता था कि बौना ग्रह बंजर है, लेकिन एकत्र किए गए आंकड़ों में पता चलता है कि यह एक पानी से भरपूर जगह है। नेक्स्ट आ जाता है आपका किस संगठन ने एलिफेंट नाम से नोट कॉम्बोसिस्ट रिपोर्ट जारी की है। तो ये रिपोर्ट जारी की है आपके वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन। ऑप्शन ए, वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन ने ये रिपोर्ट जारी की है। अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन ने एलिफेंट नोट कमोनेट्स रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के तीसरे संस्करण से पता चलता है कि भारत में एशिया में पर्यटन में इस्तेमाल किए जाने वाले हाथियों की संख्या दूसरी सबसे अधिक है। नेक्स्ट आ जाता है ये आपका राहत इंदौरी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस पेशे से जुड़े थे। तो राहत इंदौरी जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह थे जुड़े आपके कवि थे। वह एक बहुत अच्छे कवि थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अनुभवी बॉलीवुड गीतकार और उर्दू कवि डॉक्टर राहत इंदौरी का हाल ही में 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया, कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। कवि ने हाल ही में कविता के क्षेत्र में 50 साल पूरे किए हैं। उन्होंने कई हिट फिल्मों के लिए कई प्रसिद्ध गीत लिखे हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका हाल ही में कांग्रेस नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता का निधन हुआ, उनका नाम क्या था। तो उनका नाम था आपका राजीव त्यागी। ऑप्शन ए, राजीव त्यागी जी हैं, उनका निधन हो चुका है। कांग्रेस नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी का हाल ही में 53 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 53 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट आ जाता है राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन लॉन्च किया। तो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन जो लॉन्च किया है वो किया है आपका 15 अगस्त को। ऑप्शन सी, 15 अगस्त को लॉन्च किया है। 15 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को लॉन्च किया है। इस मिशन के तहत प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी कार्ड प्रदान किया जाएगा। आईडी कार्ड में व्यक्ति की पिछली चिकित्सा स्थिति, उपचार और निदान के बारे में सभी प्राथमिक जानकारी होगी। नेक्स्ट आ जाता है ये आपका रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया।
तो ये पोर्टल ऑनलाइन शुरू किया है, ये किया है आपका राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये पोर्टल शुरू किया है 14 अगस्त 2020 को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा उत्पादक को बढ़ावा देने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल से उन वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा जो वर्तमान में भारतीय रक्षा उद्योग द्वारा आयात की जा रही हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस आपका मनाया जाता है 23 जुलाई को, ऑप्शन ए 23 जुलाई को मनाया जाता है। प्रति वर्ष 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। 23 जुलाई 1927 को भारत में पहली बार रेडियो प्रसारण शुरू किया गया था। इस प्रसारण का एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से किया गया था 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो अस्तित्व में आया था। ऑल इंडिया रेडियो आपका कब अस्तित्व में आया था, 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो अस्तित्व में आया था। ऑल इंडिया रेडियो का आदर्श वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है। नेक्स्ट आ जाता है आपका डीआरडीओ का अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो डीआरडीओ का अनुसंधान संस्थान है आपका लेह में, ऑप्शन ए लेह में है ये अनुसंधान संस्थान। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने लेह में एक कोविड-19 परीक्षण सुविधा स्थापित की है। अनुसंधान सुविधा की स्थापना डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च की गई थी। यह सुविधा लद्दाख में कोविड-19 मामलों की पहचान करेगी। यह सुविधा एक दिन में 50 नमूनों की जांच करने में सक्षम है परीक्षण सुविधा का उद्घाटन लद्दाख में उपराज्यपाल आर के माथुर ने किया है। तो चलते हैं आज के फैक्ट पर। यह है आज का फैक्ट, क्या आप जानते हो जो लोग जल्दी शर्मा जाते हैं वह अधिक विश्वसनीय और दयालु होते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।